कोरोना महामारी ने देश और दुनिया की रफ्तार धीमी कर दी है। वही महामारी के बीच गाइडलाइंस के साथ स्कूलों को खोला गया है। अब हरियाणा में करनाल के बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद बच्चों तक कोरोना वायरस पहुंच गया है। अभी हाल ही में करनाल के कुंजपुरा सैनिक स्कूल से पहले 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 390 कोरोना टेस्टिंग की गई, जिसमें 54 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर दिया है। आज जिले के कई स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। करनाल सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि तरावड़ी क्षेत्र से 2 व काछवा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि गत शाम तक 231 केस कोरोना के एक्टिव मिले हैं। बीते कल 2000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग की गई है। आज सुबह 64 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हमें अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। लोग फॉर्मेलिटी के तौर पर मास्क को नाक और मुंह के नीचे पहने रखते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ना ही उससे कोई फायदा होने वाला है। इसलिए हमें अभी और ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जो कुंजपुरा सैनिक स्कूल में 54 केसेस आए थे, उसके बाद अभी कोई किसी तरह का अन्य केस वहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट हमारी टीम जो है कुंजपुरा एरिया में सभी में हाउस टू हाउस विजिट करके पूरी देख रही, चेक कर रही है। अभी कोई उस एरिया में कोई ऐसा कोई केस नहीं आया। लेकिन ये भी बात ठीक है कि इक्का दुक्का डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में एक दो बच्चे कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहे हैं। आज भी जैसे इसमें काछवा स्कूल में लगभग 6 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम ये बात बार बार अभिभावकों से भी और स्कूल प्रबंधन से भी ये कहेंगे कि जो भी कोई बच्चा किसी भी छोटे मोटे सिम्टम्स के साथ आता है, उसको कृपया इमीडिएटली टेस्ट कराएं और उसको स्कूल में बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप ना होने दें, स्कूल मत भेजें। अगर कोई सिम्टम है, खांसी जुकाम बुखार है, और टेस्ट ज़रूर कराएं। इसी तरह से हम पॉजिटिव आइडेंटिफाई करके ही इस साइकिल को रोक सकते हैं, हमको आइसोलेट करके। तरावड़ी में ऐसे अलग अलग स्कूल जगह से पिछले कुछ दिनों में 2 डिफरेंट स्कूल से बच्चे पॉजिटिव आए हैं, लेकिन काछवा से आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल काछवा से 6 बच्चे हैं। तो डिफरेंट स्कूल्स में डेफिनेटली, क्योंकि बच्चे उस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं या फिर मास्क का प्रयोग उपयुक्त तरीके से नहीं कर पाते हैं, और क्लोज ग्रुप में रहते हैं, खेलते हैं, तो उसके कारण दूसरों को संक्रमण होने का बहुत जल्दी खतरा होता है। लेकिन बच्चों में इनमें किसी तरह के सिम्टम ज़्यादा नहीं हैं, तो इसलिए हमें और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हल्के से भी सिम्टम हो तो हमें ज़रूर टेस्ट करवाना है। कि अभी तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट करनाल में 231 एक्टिव केसेस कल शाम तक थे। आज सुबह से जो हमारी रिपोर्ट्स आई, कल कोई टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2000 से ऊपर टेस्ट किए गए थे। अभी सुबह तक जो 64 पॉजिटिव केसेस अभी तक आए हैं। तो टेस्टिंग भी हम ज़्यादा कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा की जाती है, बहुत क्लोजली जितने उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबकी टेस्टिंग करी जा रही है। लेकिन सोसाइटी को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि खतरा अभी टला नहीं है, कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं। हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना है, लोग चिन के ऊपर पहनते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, नाक और मुंह दोनों ढक के मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन रखनी है। कोई सिम्टम हो तो हमें ज़रूर टेस्ट करवाना है। कि अभी तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट करनाल में 231 एक्टिव केसेस कल शाम तक थे। आज सुबह से जो हमारी रिपोर्ट्स आई, कल कोई टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2000 से ऊपर टेस्ट किए गए थे। अभी सुबह तक जो 64 पॉजिटिव केसेस अभी तक आए हैं। तो टेस्टिंग भी हम ज़्यादा कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा की जाती है, बहुत क्लोजली जितने उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबकी टेस्टिंग करी जा रही है। लेकिन सोसाइटी को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि खतरा अभी टला नहीं है, कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं। हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना है, लोग चिन के ऊपर
पहनते हैं उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। नाक और मुंह दोनों ढकते मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हैंड हाइजीन रखनी है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।